जय श्री महाकाल, जय लंकेश। लंकापति रावण रामायण का सिर्फ एक पात्र नहीं, वरन अत्याधुनिक तकनीक का ज्ञाता, वैज्ञानिक सोच एवं आध्यात्मिक कर्म को करने वाला प्रकांड पंडित था, जिसने अपने राष्ट्र की सुरक्षा, कुल की रक्षा और हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष की अवधारणा को अपने ज्ञान से चरितार्थ कर अमृतत्व को प्राप्त किया। कैसे, जानिए रावण के उजले पक्ष पर आधारित इस कार्यक्रम में। नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल इंडिया में मैं विजय कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, रावण संहिता पर हम काम कर रहे हैं और रावण जो है एक महान ज्ञाता था, जिसने हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार मोक्ष की अवधारणा को अपने मंत्रों से, अपने ज्ञान से, अपनी मायावी शक्ति से चरितार्थ किया और सकुल अपने मोक्ष को प्राप्त किया। क्योंकि मोक्ष की अवधारणा ही भाव सागर से पार जाने की होती है और भाव सागर से पार जाना मतलब बंधनों से मुक्त होना है। और उसने अपने जीते जी अपने परिवार के सभी सदस्यों को मोक्ष भगवान राम के हाथों करवाया और उसके बाद अंत में स्वयं मोक्ष को प्राप्त हुआ और महादेव यानी महाकाल के अंदर नाद स्वरूप में वो विलीन हुआ और राम के साथ अमर हुआ। ऐसे महान ज्ञाता रावण के बारे में हमने आपको पहले भी बहुत सारी जानकारी दी है और आज हम आपको विशेष रूप से इस कार्यक्रम में लिए जा रहे हैं, एक शाम रावण के नाम, जिसमें कि बहुत अलग अलग वक्ता यहाँ पर सुनने को मिलेंगे। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ पर रावण के संदर्भ में वक्तव्य देने यहाँ पर आ रही है। आइए हम चलते हैं सीधे कार्यक्रम की ओर और देखते हैं एक शाम रावण के नाम किस तरह से रावण के जो उजले पक्ष को ये जो शाम है ये किस तरह से प्रतिपादित करती है। आइए चलते हैं सीधे कार्यक्रम की ओर। मैं आदरणीय पवार साहब से कहूँगा कि सबसे पहले डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव जी के पास जाकर के उनको साफा बांध करके उनका सम्मान आदरणीय विजय कौशिक जी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक अच्छे पत्रकार हैं भाई। साथियों, आज हमारे बीच में हमारी बिटिया अद्रिजा श्रीवास्तव बैठी हैं, जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। उसने, हमारी बिटिया ने पिछली बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडियाओं में धूम मचा दी थी। एक ऐसा बोल उन्होंने बोला, बाकी हर बाप और हर माँ को, एक जो जवान बेटी होती है वो अपनी माँ को ही कहती है कि माँ, मेरी अगर तू शादी करे तो फला फला लड़के से करना, मेरी अगर शादी करे तो फला फला लड़के को ऐसा मेरा देख कर करना। देखिए उस लड़की ने बिंदास टाउन हॉल के अंदर बड़े जोश और गर्व के साथ कहा था कि मेरी जब भी शादी हो तो मेरा पति राम जैसा नहीं हो, लेकिन भाई मेरा रावण जैसा हो। साथियों, हम प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो मैं अभी, चूंकि लंकेश्वर महादेव रावण के चित्र पर अभी हमारे चीफ गेस्ट जो थे उन्होंने पुष्पांजलि करी है और हम कार्यक्रम की शुरुआत हमारी आज, हमें जिनको पहली बार हम यह मंच पे हमारे बीच में लाए हैं, अलका जी सैनी, श्रीमती अलका सैनी को मैं आपके बीच में प्रसिद्ध करता हूँ कि वे आएँ और अपना उद्बोधन दें कि दस गृह दशानन के पुतले का दहन करना कहाँ तक उचित है। भगवान भोलेनाथ के चरणों में नमन करते हुए उनके भक्त को हम प्रणाम करते हैं, रावण राज को, क्योंकि शिव भक्त रावण राज शिव जी की जितनी आराधना, जिस कठिनाई से उन्होंने की, बात कहाँ से शुरू होती है? बात शुरू होती है रामचरितमानस में, हमने जो पढ़ा कि सूर्पनखा जब अपनी, उनके नाक कान श्री राम ने काटे, तो जब वो अपने भाई रावण के पास दरबार में आती हैं, भरे हुए दरबार में, और राम के चरित्र का वर्णन करते हुए बोलती हैं कि इसी राम ने घर दूषण और त्रिशिरा नामक जो राक्षस हैं उनका भी वध कर दिया है, तब रावण ने मनन किया, उन्होंने मनन किया
कि ये तीनों पराक्रमी असुरों को संहार करने वाले यदि वो ईश्वर के स्वरूप में आए हैं, ईश्वर का स्वरूप लिया है उन्होंने, तो उनसे फिर मैं कैसे बैर लूँ? अगर वो साधारण मनुष्य नहीं है और उन्होंने अवतार लिया है, अवतार पुरुष है, तो जैसे तीन, क्योंकि वो बहुत पराक्रमी राक्षस थे, तो उनसे अगर मैं लड़ता हूँ तो एक अवतार के साथ लड़ने का जो मुझे सौभाग्य मिलेगा और उससे मुझे मुक्ति मिलेगी तो मैं मुक्त होऊंगा, और अगर वो पराक्रमी पुरुष हैं तो मैं उनकी पत्नी को रख के, तो दोनों हालात में जीत तो मेरी ही होगी, बात तो मेरी ही होगी। अगर रावण नहीं है तो राम की लीला में तो कोई राम की लीला का अस्तित्व ही नहीं है, राम की लीला की कोई हम बात ही नहीं कर सकते बिना रावण के। रावण के विषय में उनकी सारी बातों का शुरू से लेकर हम अगर अध्ययन करें तो रामलीला का कोई वो पुराण वाली बात आएगी नहीं जब तक हम रावण की चर्चा नहीं करें, जब तक रावण की बात नहीं करें। अगर रावण सैकड़ों साल पहले मारे गए तो उन्हें आज हम जीवित कैसे मानते हैं? अगर पुतले जलाने से नाश होता तो आज वे कौन हैं जो चार माह की बच्ची का भी बलात्कार करके ऊंचाई से फेंक देते हैं? साथियों, मैं हमारे संगठन के संतोष भाई गोसर महामंत्री संगठन के, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे मंच पर जो हमारी महिला चीफ गेस्ट डॉक्टर रमा पांचाल हैं, उनका स्वागत करें। श्रीवास्तव का स्वागत, अलका शेरी जी का स्वागत। साथियों, अभी हमारे संगठन के मतलब प्रोधा हैं, आपके बीच में अभी अपना उद्बोधन सुना। मैं अब अंतिम कड़ी में हमारी डॉक्टर रमा पांचाल यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे आभार प्रकट कराऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे संगठन की महामंत्री बहन संतोष भाई गोसर और राखी गोहर यहाँ आए, और बहन जी का साथ मेरा ये कहना है कि रावण दहन बिल्कुल गलत है, यही मैं कहना चाहूँ। ये महात्मा था वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, ये आप दूसरी दूसरी रामायण पढ़ते हैं, 19 प्रकार के रामायण है, और सबसे पहली रामायण जो है वो वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि जी ने रावण को महात्मा संबोधित किया है, उनके कितने गुणों को उन्होंने बताया है, और हम कैसे भोग गए कि उस रामायण को हमने छोड़ दिया, और जिस रामायण में ये लिखा है क्या पूजिए विप्रज्ञान गुणहीना शूद्र न पूजिए गुण ज्ञान, उस रामायण को हम पढ़ते हैं, क्या है हमारी वैचारिक स्थिति, क्या समझ रहे हैं हम? कहते हैं कि विद्वान तो देश का भविष्य निर्माता होता है, लेकिन विद्वान बुद्धिजीवी लोग आज के बिल्कुल रहे नहीं, इसलिए वो सही चिंतन करते नहीं है और सही बात आम जनता को बताते नहीं है। एक्चुअल इतिहास कुछ और है, हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, वो इतिहास कुछ और है, जो कि पूरी तरह से जितना स्पष्टता से पंजाब के लेखकों ने लिखा है, जालंधर पंजाब तरफ के लेखकों ने लिखा, उसको पढ़ लीजिए, आपको खुल जाएगा। इधर क्या लिख रहे हैं लोग, ये दशहरा क्यों मनाया जा रहा है, बंद करिए ना इसको, क्या मतलब है, या जलाने वालों को जला डालिए, वर्षों वर्षों में वही काम कर रहे, वही काम कर रहे, क्या औचित्य है इसका, और क्या विचार कर रहे का? और क्या रावण के 10 सिर थे, और क्या कैक्सी ने 10 सिर वाले रावण को पैदा किया था, क्यों नहीं सोचते हम? बड़ी विडंबना, हमारा चिंतन बिल्कुल निकृष्ट हो गया है, और इस कारण हमारे विद्वान लोग बुद्धिजीवी लोग देश को सही मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे हैं। बस आपको बुरा लगा होगा तो मुझे माफ करना, कहीं
किसी चरित्र में कोई कलंक नहीं है रामायण के, यदि आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ लें समझ लें तो, और नहीं तो कलंक ही कलंक दिखाई देगा। क्या है वास्तविकता हमारे इतिहास की, हमारे धर्मशास्त्रों की, उसे हमें समझना पड़ेगा। अरे आप तो 21वीं सदी में घूम रहे हैं, आज भी सही चीज नहीं सुनोगे, सही काम नहीं करोगे। रावण जैसे महान विद्वान को, महान पंडित को, पंडित और ब्राह्मण का अंतर याद रखें, पंडित की परिभाषा अलग है, ब्राह्मण की परिभाषा अलग है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि वास्तविकता को समझ करके अपने व्यावहारिक जीवन में उसको उतारिए। हमारा एक प्रयास है कि रावण के पुतले का दहन जो है बंद होना चाहिए। रावण अपना मोक्ष चाहते थे और दशहरे के दिन जो है वो मोक्ष दिवस के रूप में मनाना चाहिए। जो स्वयं अपनी मृत्यु को, काल को पुकार रहा हो, तो ऐसे महान व्यक्ति को जो भोलेनाथ के परम भक्त हैं, उन पर हमने आज ये प्रोग्राम कराया है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं 1966 से लेकर आज तक इसे प्रोग्राम के लिए लगा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज नहीं देर सवेर अगर कभी ना कभी तो लोगों की समझ में आएगी कि वो महात्मा रावण जो है उसके पुतले जलाना बंद करेंगे, क्योंकि रावण जो है एक प्रकांड पंडित है, विद्वान है, और इसे विद्वान के पुतले जलाना एक अच्छी बात नहीं। और दूसरा बात फिर मैं एक बार वो कहना चाहता हूँ कि जिन जिन ने भी रावण के पुतले जलाए उनके घर तो जाकर देखो। अभी हमारे एक वक्ता बता रहे थे कि वो प्रवीण थे। प्रवीण वही होता है जो सितार वादक होता है, संगीत का जानकार होता है। हम आपको बात बताना चाहूँगा मंच पे, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं ये बता रहा हूँ कि आज भी एक उदाहरण है कि डोडा ज़िला, जम्मू एंड कश्मीर का एक डोडा ज़िला है, उसका नाम है गांव का ददरिया। उस दड़किया गांव में आज भी गूंगे और बेरे लोग पैदा होते हैं, जहाँ आज से ठीक 5000 साल पहले रावण ने सितार बजाया था और परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ ने नृत्य किया था। वो जगह आज भी जिन लोगों ने उस नृत्य को देखा था, जिन लोगों ने सुना था, भगवान भोलेनाथ नाराज हुए और कहा, रावण तेने कहा था हमारा नृत्य कोई नहीं देखेगा, तेरा संगीत कोई नहीं सुनेगा, और तमाम सारे लोगों ने सुन लिया, तो चिंता मत करो प्रभु। आज 5000 साल तक आज भी वहाँ लोग गूंगे और बेरे पैदा होते हैं, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है परम पिता परमेश्वर के लिए। तो ये लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, खैर आज ही तो कल समझेंगे और रावण का पुतला जलाना बंद करेंगे। तो दोस्तों ये थी एक शाम रावण के नाम, जिसमें रावण के चरित्र को राम से कहीं बेहतर बताने की कोशिश की गई, और कहीं ना कहीं जो सामाजिक परिवेश है, जो समाजवाद की बात है, जो समानता का सिद्धांत है, उसको प्रतिपादित करने के लिए रावण किस तरह से सजग था और किस तरह से उसने पहली बार जो है महिला जेल की स्थापना की, किस तरह से पहले महिला जेलर नियुक्ति की, और तमाम तरह की बातें आपने इस कार्यक्रम में सुनी। आप इसी तरह से रावण की जो पॉजिटिव बातें हैं, रावण की जो अच्छी सोच है, उससे हम आपको और भी आगे अवगत कराते रहेंगे। ये अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में बताएं कि रावण सिर्फ एक पात्र था, मायावी पात्र था रामायण में, जो कि पंच तत्वों में से एक नाद स्वरूप को वो जो है प्रकट करता था। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इन चारों तत्वों से, पांचों तत्वों से हमने आपको पहले भी रूबरू कराया है रामायण में, और आगे भी हम कराते रहेंगे। और दशहरे पर हो सके तो रावण दहन कार्यक्रम से बचें, क्योंकि जब तक अगर आपके अंदर राम जिंदा नहीं है तो आप रावण को मारने के अधिकारी नहीं हैं, पात्र नहीं हैं। आप रावण भी पूरी तरह से अगर बन जाते हैं जीवन में, तो यही आपकी इंसानियत का, इंसान होने का बड़ा कर्तव्य होगा, कर्म होगा। इसलिए आप रावण को गाली न दें और उसका दहन न करें, अपनी बुराइयों को मारें। जय लंकेश, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए लॉजिकल इंडिया पर। टेक केयर। जय लंकेश, जय श्री महाकाल।